गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। एंड टुडे वी विल टेक आवर चैप्टर नंबर 1। ओके, एंड आई विल कवर फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ चैप्टर नंबर 1। नाउ लुक एट द नेम ऑफ द चैप्टर। ओके, लुक एट द नेम ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, वी विल कवर इन दिस चैप्टर। ओके, लुक एट द चैप्टर। कंप्यूटर वर्क्स बाय फॉलोइंग द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इन शॉर्ट इट इज नोन एज IPO साइकिल। ओके, शॉर्ट में इसको I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड O फॉर आउटपुट कहा जाता है। And in our daily life, all most of the work is done through this cycle only. Okay, and you might have remember in my third class, I had explained this process very clearly. Okay, and take one example. I am giving one example. You may recall it. Take the example of a milkshake. Okay, suppose you want to prepare milkshake. Okay, and what are the things that will be needed for milkshake? Milkshake banane ke liye aapko kya kya chahiye? First, you need a milk, water, and sugar. Okay, after that, and I waited for 1 hour, 2 hours. Will I get the milk? No, because no work is done on the इंग्रीडियंट्स। जो आपने सामान लिया था उस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ, मीन्स नो प्रोसेस इज डन ऑन दैट थिंग्स। ओके, सो प्रोसेसिंग इज मस्ट। ओके, सो ऑल द थ्री थिंग्स विल बी मिक्स टुगेदर एंड आफ्टर मिक्सिंग इट दैट विल बी द प्रोसेस। ओके, आफ्टर मिक्सिंग यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट एज योर इनपुट। ओके, आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा, दैट विल बी योर मिल्क शेक। टेक अनदर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। सपोज कीजिए आपके पास वॉशिंग मशीन है एंड वाट विल बी द इनपुट। इनपुट मीन्स किस चीज़ को आपको वर्क करवाना है। तो डर्टी क्लॉथ्स हैं वो आपके इनपुट होंगे एंड वेन यू पुट देम इनटू द दैट वॉशिंग मशीन एंड यू विल रन द वॉशिंग मशीन। वैन यू रन द वॉशिंग मशीन वॉट हैपन्स? द प्रोसेसिंग इज डन ऑन द डर्टी क्लॉथ एंड आफ्टर प्रोसेसिंग फाइनली यू गेट द क्लीन क्लॉथ एज आउटपुट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द वर्क इन आवर डेली लाइफ गोज थ्रू दिस साइकिल ओनली। ओके, इन द सेम वे योर कंप्यूटर वर्क्स। इसी तरह इसी प्रोसेस पर आपका पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट अ यूजर फीड्स डेटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि फीड्स माने देना या डालना। तो जो यूजर है, जो कंप्यूटर पे काम करने वाला, वो वेरियस इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर में डेटा डालता है, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ओके, दीज आर इनपुट डिवाइसेस थ्रू विच यूजर फीड्स द डेटा इनटू द कंप्यूटर। देन क्या होता है, द कंप्यूटर देन वर्क्स अपॉन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर कंप्यूटर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस जो इनपुट आया है यूजर से उस पर वर्क करता है। तो कंप्यूटर में द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस इज द CPU। CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड फाइनली इट डिलीवर्स द आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। और लास्ट में क्या होता है, वो प्रोसेसिंग होने के बाद में द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। ओके, नाउ कंप्यूटर ऑल्सो कंटेन्स अ मेमरी यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेमरी एंड सेकेंडरी मेमरी। तो कंप्यूटर के अंदर आपके CPU बॉक्स में एक मेमोरी यूनिट होती है, फिक्स होती है,
which consist of two types of memory. First one is primary and the second one is secondary memory. And what is memory? कोई बता सकता है? What is memory? Memory is a power to remember something. It is a power to remember something. मीन समय कुछ याद करने की शक्ति या पावर. इसी तरह आप भी देखते हैं कि when you learn for the exams and your question answer and all the things is stored in the memory of your brain and next day you write those things on the paper. Okay? During the IPO cycle, the computer's memory, primary memory used for flow of information and also for calculation. So during the IPO, input process output cycle के दौरान क्या होता है, computers की जो primary memory होती है वो data के flow और उसकी calculation को पूरा देखती है. Many times we need to store input and output data permanently. कई बार क्या होता है, जो हमने डेटा इनपुट किया है या जो आउटपुट किया है उस डेटा को वी वांट टू स्टोर परमानेंटली. परमानेंटली मीन्स फॉर फ्यूचर यूज. दिस टास्क इज डन बाय द सेकेंडरी मेमोरी. सो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है दैट विल बी यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली. ओके, नाउ सी प्राइमरी मेमोरी. ओके, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी contains the computer programs and instructions that can be directly read by the CPU. तो primary memory में क्या है, छोटी सी chip होती है जो कि आपके computer के motherboard पर fix होती है और उस पर क्या होते हैं कुछ programs और instructions आपके store होते हैं, save होते हैं, जो कि that those instructions and programs can directly be read by the CPU. CPU द्वारा वो directly रीड किए जाते हैं. इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा ऑन विच वर्क इज बींग डन एट द गिवन टाइम. और उसके अलावा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जिस जो वर्क हम कर रहे हैं द वर्क वी आर डूइंग इज स्टोर्ड टेम्पररी इन द प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है. प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, रीड ओनली मेमोरी, इन शॉर्ट इट इज ROM, R for read, O for only, and M for memory, and the another memory is random access memory. In short, it is RAM. First, we will look read only memory. By the name, it is clear. By the name, it is clear ki it is a kind of memory from which we can read only. The ROM is located on the motherboard of a computer. ROM kya? It is a small chip which is fixed on the motherboard of a computer. Computer ke motherboard pe fix hota hai. It contains some instructions and programs that are essential for a computer to operate. To ROM chip hai, us pe kya hote hain, kuch instructions aur programs hote hain jo ki computer ko properly run karne mein, operate karne mein hamari madad kare hain. Basically isme kya hota hai कि जो स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर, बूटिंग ऑफ ए कंप्यूटर मींस स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके रॉम चिप में आपके स्टोर होते हैं. क्योंकि आपको पता है कि व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर और लैपटॉप, योर कंप्यूटर टेक्स लिटिल बिट टाइम टू बूट अप, मींस टू स्टार्ट अप. ओके, तो दीज इंस्ट्रक्शंस आर पुट इनटू द रॉम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर. ओके, तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ रॉम चिप all the instructions, booting instructions are saved on the chip. Okay, saved on the ROM chip. This is why, and sorry, these are of a permanent nature and cannot ordinarily be changed by us. So, ये जो आपके ROM chip पे आपके instructions permanently लिख दिए जाते हैं, they are permanent in nature. It cannot be erased by us. हम उसमें कोई भी changes नहीं कर सकते हैं और वो परमानेंटली आपके रॉम चिप पर स्टोर रहते हैं. क्योंकि पता है कि एवरी टाइम व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर दोज इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड बाय द कंप्यूटर टू स्टार्ट द कंप्यूटर प्रॉपरली. ओके, दिस इज व्हाई रॉम इज आल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी. इसलिए रॉम को
परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है. नॉन वॉलेटाइल मीन्स यू कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ चेंजेस. ओके, द कंटेंट ऑफ रॉम डज नॉट गेट लॉस्ट और इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रॉम चिप पे जो भी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं, स्टोर होते हैं, दे डज नॉट गेट लॉस्ट और इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. कंप्यूटर को आप ऑफ कर देंगे, वो डेटा आपका, वो इंस्ट्रक्शंस आपके परमानेंटली वहीं पे सेव रहेंगे. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, व्हेन यू अगेन टर्न ऑन द कंप्यूटर, दोज इंस्ट्रक्शंस हेल्प द कंप्यूटर टू बूट अप. ओके, मींस टू स्टार्ट द कंप्यूटर. आप देख सकते हैं रीड ओनली आपका छोटी सी चिप है. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. तो RAM क्या है, इट इज द मेन मेमोरी और अ वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज अटैच टू स्लॉट्स ऑन द मदर बोर्ड. ओके, ये भी आपका छोटी सी, आप यू कैन सी इन द पिक्चर, छोटी सी चिप होती है और वहाँ पर मदरबोर्ड में एक स्पेस होता है, स्लॉट होता है, उसमें इसको फिक्स कर दिया जाता है. व्हेन वी वर्क ऑन ए कंप्यूटर, व्हेन वी वर्क ऑन ए कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, द सॉफ्टवेयर वी यूज आर लोडेड टेम्पररली ऑन टू द रॉम रैम फॉर अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क. तो जब भी, वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर, तो जो भी सॉफ्टवेयर, वट एवर सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग इज लोडेड temporarily onto the RAM from the permanent storage devices like hard disk, CD, pen drive, etc. Okay? The data we feed while working is also temporarily stored in the RAM. और जो data हम या input computer को दे रहे हैं वो भी आपका temporarily RAM में store होता है. When we turn off the computer, मैं temporary बार बार क्यों use कर रहा हूँ, because उसके पीछे reason है. When we switch off the computer or turn off the computer, the data in the RAM gets automatically erased. The RAM loses all the software and the data. So, whatever data or software present in the RAM will automatically get erased if the computer is shut down. So, before switching off the computer, so be careful. हमें हमेशा ध्यान रखना है कि before टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर द डेटा हैज टू बी सेव ऑन टू अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कंप्यूटर बंद करने से पहले हमें अपने वर्क को परमानेंटली किसी स्टोरेज डिवाइस पे सेव करके रखना है. सो दिस इज व्हाई रैम इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी और अ वॉलेटाइल मेमोरी. इसलिए रैम को टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि उसमें डेटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक कि आपका कंप्यूटर को पावर मिली, मीन्स योर कंप्यूटर इज ऑन. व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, द डेटा इन द रैम विल ऑटोमेटिकली गेट इरेज. ओके, ईच टाइम वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, हर बार जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, द सेव डेटा एंड द सॉफ्टवेयर आर रीलोडेड ऑन टू द रैम. और जो डेटा आपका हार्ड डिस्क पे परमानेंटली सेव होता है, या जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स आपका सेव होता है, वो फिर से हमें क्या करना पड़ता है, उसको रन करके हमें रैम में लोड करना पड़ता है. देन ओनली वी कैन वर्क ऑन द प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर. सिंस रैम इज द प्लेस वेयर ऑल द वर्क इज डन, आपको पता है कि इसलिए रैम ऐसी जगह है जहाँ पर सारा काम होता है. डेटा कैन बी रीड एंड रिटन इन रैम. डेटा वहीं से रैम में रीड होता है, वहीं से रिटर्न होता है, वहीं लिखा जाता है. सो RAM is also known as read and write memory. इसलिए RAM को read और write memory भी कहा जाता है. और आप इसमें कितना भी changes कर सकते हैं. You can add data or you can modify, you can delete data from the RAM. Now see the secondary memory. We use secondary मेमोरी टू स्टोर डेटा परमानेंट. ओके, हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं, ताकि क्या हो, फ्यूचर में हम उस डेटा को फिर से यूज कर सकें.
Secondary memory provides ample space to save data. Means secondary memory में कुछ storage devices हैं जो कि बहुत अधिक आपको ample means in very huge amount की space आपको देते हैं to save your data. Secondary memory is also called auxiliary memory or the external memory. Secondary memory को auxiliary memory और external memory भी कहा जाता है. There are various types of data storage devices that help us to save data. तो आजकल मार्केट में बहुत तरह के स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिसमें हम अपने डेटा को यू कैन सेव योर डेटा ऑन दैट. सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. देन सीडीज, नाउ डीवीडीज एंड यूएसबी ड्राइव्स. यूएसबी ड्राइव्स आर नोन एज पेन ड्राइव्स. ओके, डेटा stored in these devices can only be used by the computer through its primary memory. So, जो data आपने secondary memory या storage devices use किया है, that can be used only through primary memory. Primary memory के through ही वो आप उसको use करते हैं. The main aim of data storage devices is to store data permanently. तो जो main काम है आपका storage devices का use करने का, to store the data permanently for future use. Okay, the primary memory cannot do so. The primary memory ये काम नहीं कर पाती है क्योंकि उसमें data temporarily होता है और as soon as you turn off the computer, all the data get erased from the primary memory of a computer. Now we will cover till advantage of data storage devices. Okay, आज यहीं तक हम देखेंगे. Advantages of data storage devices. क्या क्या advantages हैं data storage devices की. First क्या है, large storage space. अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत huge amount में, बड़ी मात्रा में आप you can store data और you can save data on to the storage devices, various storage devices. Data storage devices can store a large amount of data. Okay, easy transfer of data. So data saved in these storage devices can easily be transferred from one computer system to another. Okay, so ye jo data hota hai aapka storage devices pe, we can easily transfer data from one computer to another computer. Okay, now last one is easy to change data. Easy to change data. Aap storage devices mein whatever data is saved or stored, we can easily modify them or you can easily delete them or you can store or save new data. Okay, so student, this is for today's class, and remaining part of the chapter I will give you in my next video. Okay, thank you very much.